लोग के साथ। कल हम लोगों ने 336 लोगों को अपने घर भेजा है, जिसमें 336 इसमें 63 करीमगंज, 11 हेलाकांडी, 47 नगांव, 107 गुवाहाटी, गुवाहाटी मतलब कामरूप और मेट्रो दोनों मिला के, 63 धुबरी और 45 कोकराझार। तो धुबरी और कोकराझार रात को गया था, उससे पहले का फिगर हमने दोपहर में शेयर कर दिया था। तो कल टोटल 336 लोगों को हमने भेजा। हमारे पास में सिर्फ हाफलोंग से कल लोग आए थे, 31 लोग रात को हमारे यहाँ पे पहुंचे थे। आज की तारीख में अभी 4 बजे तक हम लोगों ने 135 लोगों को अपने घर भेजा है, जिसमें कि गुवाहाटी 135, जिसमें कि गुवाहाटी 96 है, करीमगंज 24 है और धुबरी के लिए 15 है। गुवाहाटी 96, करीमगंज 24 और धुबरी के लिए 15, 5 बसेज हैं जो कि गुवाहाटी गई हैं और टोटल 135 लोग अभी तक गए हैं। आज सुबह से सिलचर की तरफ कोई भी बस अभी तक आके नहीं पहुंची है, ऑन वे है बता रहे हैं, अभी जब पहुंचेगी तो हम अपडेट कर देंगे। ये तो इनका मूवमेंट हो गया। टोटल जो एक और कैटेगरी था वर्क मूवमेंट का, जो कि गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया था, दैट वाज किसी के लेबर हैं और कॉन्ट्रैक्टर उनको वापस उनके घर छोड़ना चाहते हैं, तो उसके अंदर जैसे ओएनजीसी का कुछ लेबर था, कुछ आईयूसीएल का लेबर था, कुछ ईटा भट्टा का लेबर था, कई कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, तो उन लोगों का हम लोग प्राइवेटली मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा ऑथोराइजली अराउंड 470 लेबर्स हैव बीन सेंट बैक, जिसमें कि मेजॉरिटी जो है वो धुबरी जिले के हैं। तो वो जो प्राइवेट गाड़ी से अपना रजिस्टर करते हैं और उससे वो लोग जाते हैं, हम लोग उनको पासिस देते हैं, हर एक उस गाड़ी में कौन कौन व्यक्ति जाएगा उनका सारा नाम डिटेल लेकर के और उन लोग को पासिस देके हम लोग भेज रहे हैं। जो भी हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो लोगों को मतलब जो लोग को पास मिल रहा है उनका लिस्ट हम लोगों ने, क्योंकि सारा पास तो ऑनलाइन है, तो डेटा पॉपुलेट करके और उसको हम लोग अपना स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। स्टेट गवर्नमेंट ने तीनों जिले के डेटा को मिक्स किया, उसको मेघालय सरकार को दिया। मेघालय सरकार हैज अलाउड कि जो जो हम लोगों ने लिस्ट दिया था उन व्हीकल्स को पास करने दे रहे हैं। उसमें कोई प्राइवेट भी है? कम है, मोस्टली जो हमारे वैसे लोग हैं वो पास लेके और हाफलोंग से या छोटी गाड़ियां, क्योंकि वो उधर से ही प्रेफर कर रही है और छोटी गाड़ी हमारी गुवाहाटी की तरफ में कमी थे, मोस्टली हाफ लॉन्ग हो जाए इस तरफ ही जाने वाले लोग थे, तो दे आर गोइंग थ्रू दिस रूट। सर ऐसे कुछ नहीं, जिसने बुकिंग किया है और उसका क्या नहीं हुआ है नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे इसको मोबिलाइज कर रहे हैं। डे वन पे हमारा तरीका दूसरा था, अब क्योंकि हमारे पास टाइम है तो लिस्ट आने के बाद हम कॉल सेंटर जो है हमारा डीडीएमए का उससे कॉल कराते हैं, जो भी नंबर से वो लोग करे हैं, और हर व्यक्ति को कॉल किया जाता है। लिस्ट रात को 11 बजे आती है तो 11 बजे कॉल किया जाता है, उस लिस्ट को थाने वाइज हम लोग कैटेगराइज करते हैं और फिर उस थाने में गाड़ी भेजते हैं। कई सारे लोगों के फोन स्विच ऑफ हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस अजम्पशन में कॉल कर दिए कि वो दूसरे स्टेट से हमारे यहाँ पे आ सकेंगे, जैसे मिजोरम में अगर कोई काम कर रहे हैं, धुबरी का लेबर है, दे रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑन द वेबसाइट से थिंकिंग कि मिजोरम से यहाँ तक तो आ जाएंगे, यहाँ से बस में बैठ के चले जाएंगे। तो उस वजह से भी काफी सारे लोग हैं जिनके फोन स्विच ऑफ भी आ रहे हैं, वो लोग फोन उठा के बोल रहे हैं सर हम तो आ नहीं पाएंगे, हम कैंसिल हो गए। तो उस तरह का डेटा जो है वो एएसटीसी अपना मतलब हेड ऑफिस में डायरेक्टली शेयर कर रहा है। ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि जितने लोग रजिस्टर किए हैं उसका 70% लोग टर्न अप कर रहे हैं मेरे पास में, कॉल करते हैं। अगर वो एक बार में कॉल नहीं लगा, रात को है, उठाया नहीं, कुछ नहीं किया, तो सुबह में फिर से उनको कॉल करते हैं हम लोग, फिर थानों को उनका नंबर दे देते हैं कि आपके थाने में ये सब लोग आएगा। तो पुलिस भी अपनी तरफ से हमको बहुत सपोर्ट कर रही है और वो लोग भी फिर थाने से उनको कॉल करके बोलते हैं कि आपका जो पिकअप गाड़ी है तैयार है, आप कहाँ पे, आप आ जाइए। तो उस लेवल पे हम लोग परसू कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति लेट ना पहुंचे, और अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, जगह है बात हो रही है, उन सबको हम लोग ले जा पा रहे हैं। तो अभी जो कौन कौन दुकान खुलेगा, बाकी क्या क्या आउट खुलेगा, ओपन होगा, इसका बारे में कोई डिसीजन हुआ है क्या? दुकानों का जो पार्शियल रिलैक्सेशन वाला बात था, इसमें
इंडस्ट्रीज के लिए जैसा लास्ट टाइम अपन लोग का बात हुआ था, मैडम ने कमिटी ऑलरेडी बनाया था इंडस्ट्री गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अलग और प्राइवेट सेक्टर अलग, तो उसके तहत में परमिशन दिया जा रहा है, जो भी एप्लीकेशन देता है उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, क्योंकि जनरली लोग अंडरटेकिंग देके अपना मतलब फुलफिल कर लिया ड्यूटी ऐसा सोच सकते हैं, पर हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो उसके सफिशियंट रिसोर्सेज हैं कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, तो दैट इज बीइंग चेक्ड इनटू, और वो प्रोसेस अभी स्ट्रीमलाइन हो गया इंडस्ट्रीज ओपनिंग का। अब शॉप्स के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और ऑनरेबल सीएम दोनों ने मतलब हिंट दिया था कि 27 तारीख को कुछ डिसीजन देंगे कि शॉप्स कौन सा कैसे क्या खुलना है, तो हम लोग आज उसका ही वेट कर रहे हैं। एक बार गाइडलाइंस क्लियर आए तो फिर हम लोग टेकअप करेंगे, पर यह बात भी है कि गाइडलाइंस जो भी होंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइनली जब तक डीसी ऑफिस से कुछ फाइनल कंफर्मेशन ना निकले लोग अपने लेवल पे मूवमेंट शुरू ना करें, क्योंकि पहले भी एक आधी बार ऐसा हुआ है कि जैसे जिस दिन लॉकडाउन खत्म होना था फर्स्ट फेज जब खत्म होना था तो लोग अज्यूम कर लिए कि अभी हो गया और 15 को सुबह काफी मोबिलाइजेशन हो गया सेइंग कि आप लोगों का तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि ये किताब का दुकान खुलेगा वो दुकान खुलेगा, बट अंटिल अनलेस ऑन द ग्राउंड डीसी ऑफिस से परमिशन नहीं मिलता है या कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आता है आप लोग अपना लेवल से इनिशिएशन उसका ना लें तो बेहतर है। तो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर लिया है ऑन द बेसिस कि बहुत सारा लोगों का रिक्वेस्ट अभी भी बाकी है, ठीक है, तो जिन लोगों ने एक बार ऑलरेडी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल ले लिया है दे कैन नॉट अवेल दिस फैसिलिटी अगेन, दिस विल नॉट एप्लीकेबल टू दोज 5 डिस्ट्रिक्ट जो पहले से था जैसे धुबरी मोरीगांव नलबारी गोलाघाट एंड ग्वालपारा, ठीक है, और जो प्रिकॉशन सबको लेने थे वो अभी भी इन्फोर्स रहेंगे। तीसरा बात यह है कि रजिस्ट्रेशन अभी और बस का जो रजिस्ट्रेशन है वो नया नहीं होगा, जो पुराने रजिस्ट्रेशन है क्योंकि बारिश हो रही है और मूवमेंट में कुछ कुछ लास्ट मोमेंट हिकअप्स आ रहे हैं और उतना तो उस वजह से इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा, नया लोग अभी नहीं लिया जा रहा है। दूसरा कि जो प्राइवेट व्हीकल से लोग जा रहे थे उनके लिए कंडीशन पहले ये लगाया था गवर्नमेंट ने कि ओनली वन साइड ट्रांसपोर्ट विल बी अलाउड, तो काफी रिक्वेस्ट आया जैसे यहां से भी हो रहा था कि हमारा बच्चा गुवाहाटी में पीजी में पढ़ रहा था उसको लेके आना है और 104 में रजिस्टर नहीं कर पाया वो, तो अभी गवर्नमेंट ने उसको ध्यान में रखते हुए भी रिलैक्स किया है कि कोई गाड़ी अपना प्राइवेट व्हीकल हायरिंग नहीं करना है, अपना जगह से उस जगह पे जाके उनको लेके वापस आ सकती है, तो टू वे हैज बीन अलाउड बट इट हैज टू बी अ प्राइवेट व्हीकल एंड एक गाड़ी में 3 आदमी वाला कंडीशन को ध्यान में रख के इस चीज को गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया। उसका टाइम लिमिट भी दिया हुआ 30 तारीख तक वापस आ जाना आने जाना है, 30 तारीख में ये सब मूवमेंट जो है खत्म कर लेना है। कल तो शाम को कुछ लोगों को ऐसे ही मतलब वार्निंग के हिसाब से हम लोग मूव किए थे, इवनिंग में काफी लोगों को बोला भी गया है और अभी मेजर मतलब जो इम्फेसिस है वो मूवमेंट को प्रॉपरली और तरीके से कंप्लीट कराने पे है, बट फिर भी एक टीम है जो कि काम कर रही है पूरे टाइम और अभी काउंसलिंग मोड में ही चल रहे हैं क्योंकि नया शॉप्स थोड़ा ज्यादा खुल रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ रही है, तो उन सबके चलते फुटफॉल तो अभी ज्यादा हो रहा है सड़क पे, पर फिर भी ये देखा गया है जनरल की मास्क और फेस कवरिंग जो है लोग फॉलो करके ही काम कर रहे हैं।